किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला जो मतलब चीज़ है वो आपको आना चाहिए वो ये कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको ये आता है तो इसमें कहीं भी कोई भी इश्यू नहीं होगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ये वीडियो देख लो आप, ठीक है, जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा है, अच्छे से बताया है कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर भी मैं एक छोटा सा अभी बताया था एग्जाम्पल लेके, जैसे कोई भी अगर आपको नंबर दिया गया है 3, 5, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया 17 और इसका रिमाइंडर 1 आ गया, 2 × 8 = 16, 1 एंड देन 2 × 4 = 0, 2 × 2 = 4, 0 एंड देन 2, 1 एंड ये आ गया आपने कितना 2 × 1 = 0। तो ये जो होगा हम इसको ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो जो जो भी नंबर आएगा ये हमारा आ जाएगा बाइनरी में 1 0 0 0 1 1। वही इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये आना चाहिए ताकि अभी टेबल तो मैंने रेफरेंस के लिए लिख दिया, लेकिन अगर आपको ये आ गया ना तो मन ही मन में आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो तो बहुत इजी हो जाएगा। तो ये हमारा 1, 2 एंड 32, तो ये हमारा 35 हो गया। तो अगर कोई भी डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम ऐसे करते हैं, और अगर किसी भी बाइनरी को कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो आप इसका नंबर डबल करते जाओ, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू 1, 2, 4, 8, 16, 32, और जहाँ जहाँ वन है ना उसको हम ऐड कर देंगे, जहाँ जहाँ जीरो है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो ऐड यहाँ पे क्या है, 32 वाले पोजीशन पे 1 है तो ऐड कर देंगे, बाकी ये 2 वाला है ये ऑन है इसको भी ऐड कर देंगे, और 1 वाला है 32 और प्लस 3 = 35, तो ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो उसी तरीके से अगर ये बाइनरी जो ऑक्टल का जो ज़रूरत है तो इसमें आपको ये आना चाहिए कि अगर 0 से लेकर 7 तक आपको बाइनरी वैल्यू आना चाहिए। ओके, तो अब मैं बताता हूँ कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे जैसे 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1, ये बाइनरी में दिया है और इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, ऑक्टल के लिए हमें 3 बिट्स ही यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी में हमारा पूरा 0 to 7 कवर हो जाता है। तो इसलिए हम जो बाइनरी है इसका ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3 का पेयर बनाते हैं, यहाँ पे 3 का हमने पेयर बनाया है। ओके, और इसका हम कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू डेसिमल में, यहाँ इसीलिए मैंने बोला था कि आपको ये जो बाइनरी है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो अभी यहाँ पे क्या है कि 1, 2 ये वाला बिट ऑन है तो ये 3 हो जाएगा। ओके, देन ये क्या हो गया 0 1 0, ये 2 हो जाएगा, 0 1 0 ये भी 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। जो लास्ट वाला बचता है आप 3 पेयर करने के लिए एक एक्स्ट्रा 0 या 2 एक्स्ट्रा 0 लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा 1, 2, 2, 3, ये हमारा हो गया ऑक्टल में। अब यहाँ पे ये जो मैंने कन्वर्ट किया तो ये टेबल इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा ताकि आप रेफरेंस ले सको अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे 0 1 1 3 का वैल्यू, उसके बाद 2 का 0 1 0 2 हो गया, यहाँ पे 0 1 0 2 हो गया, 0 0 1 यहाँ पे 1 हो गया। दिख रहा है कि बाइनरी टू ऑक्टल तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ए 3 का पेयर बनाना है काम तो कम। ओके, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0, तो अब इसको कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में, 3 का पेयर बना लेंगे, 3 का 3 3 और ये 1 बच गया, तो इसको या तो 2 एक्स्ट्रा 0 रख सकते हैं छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 6 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया एंड देन ये 5 हो गया, 1 हो गया। अब इसको 1 1 0 है यहाँ पे तो ये 6 हो गया, 000 है तो 0 हो गया, 3 के लिए 0 1 1 हो गया, यहाँ पे 1 0 0 है तो 4 लिख दिया मैंने, 1 0 1 है यहाँ के लिए 5 लिख दिया, और यहाँ पे 1 है तो ये हो गया हमारा 1 5 4 3 0 6, तो ये हमारा हो गया ऑक्टल में कन्वर्स। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1। ओके, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 3 का पेयर लिया। ओके, फिर एक ये बच गया, या तो 0 एक्स्ट्रा दे सकते हैं, नहीं भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर वाला, तो ये हो गया 3, ये हो गया 7, ये हो गया 4 और ये हो गया 1, यानी कि यहाँ पे 0 1 1 0 1 1, 7 के लिए 1 1 1 और यहाँ पे 1 0 0 4 हो गया एंड देन 0 0 1 0 0 1 1 हो गया। तो इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। आप देखते हैं कि कैसे ऑक्टल को बाइनरी करेंगे। तो जैसे बाइनरी के लिए हमने क्या किया, 3 का पेयर बनाया था, तो उसी तरीके से अगर ऑक्टल में है, ऑक्टल में हमारे 3 बिट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अगर ऑक्टल में उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना तो हर एक डिजिट जो ऑक्टल में है उसको हम 3 बिट्स बाइनरी में लिख देंगे, ठीक है। तो अब ये नंबर जैसे ऑक्टल में दिया है हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जैसे दिया है 1 2 2 3,
तो ये हर एक डिजिट को एक लेना है हमें, ये ऑप्शन में दिया है ओके. और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इन बाइनरी में लिख देना है. तो जैसे वन है तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 001 या फिर सिंपल वन क्योंकि फर्स्ट है. और उसके बाद टू है तो 010, देन टू है 010 एंड थ्री है तो 011. तो ये आप देखोगे 001, 001001, 001, 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
थ्री सिक्स थ्री ये ऑक्टल में दिया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू 1013 करके लिखना है, 0116 का, 1103 का, 011, तो ये अपना ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ पे 5 है, 5 का आप देखोगे तो यहाँ पे 101 है, 3 का देखोगे तो 011 है, यहाँ पे 011, 6 का देखोगे तो 110, ये सेम वही लिखा है मैंने, 3 का 011, तो ये कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 76 अगर ये ऑक्टल में लिया, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 7 के लिए 111 और 6 के लिए 110, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, 7 के लिए और 6 के लिए 110। तो बहुत इजी है, तो सारे नंबर सिस्टम बस ऐसे ही इजी है। अगर ऐसे अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो बाकी वीडियोज़ भी मेरे देख सकते हो, जिसमें मैंने इतने ही आसानी तरीके से सारे नंबर सिस्टम का कन्वर्ट करना बताया है।